हेलो फ्रेंड्स, आई एम मैट स्टूडेंट। फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द माउथ वॉश एंड थ्रोट पेन। इसमें हम लोग देखेंगे कि माउथ वॉश और थ्रोट पेन क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं मेनली, इसके कंटेनर के बारे में बात करेंगे, और लेबलिंग के बारे में बात करेंगे, स्टोरेज कंडीशन के बारे में बात करेंगे, और इसके फार्मूले के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महताब सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द माउथ वॉश एंड थ्रोट पेंट की, तो ये दोनों मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। इनको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं अपने ओरल कैविटी को या हमारी बक्कल कैविटी को प्रॉपरली क्लीन करने के लिए, एंटीसेप्टिक करने के लिए, और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी हम इनको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द माउथ वॉश। माउथ वॉश आर द एक्वस सॉल्यूशन इंटेंडेड टू वॉश द माउथ। तो अगर हमें अपने माउथ को वॉश करना है, अपनी बक्कल कैविटी को वॉश करना है, तो उस कंडीशन में हम माउथ वॉश को यूज करते हैं, और ये एक एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। माउथ वॉश आर यूज फॉर डिओड्रेंट, रिफ्रेशिंग, एंटीसेप्टिक इफेक्ट इन द बक्कल कैविटी। तो अगर हमें अपनी बक्कल कैविटी माउथ में डिओड्रेंट इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, रिफ्रेशिंग इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, या एंटीसेप्टिक इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर हम माउथ वॉश को यूज करते हैं। अगर हम इसके मेन इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें, दे मे कंटेन एल्कोहल, ग्लिसरीन, सिंथेटिक स्वीटनर्स, सर्फेक्टेंट एंड कलरिंग एजेंट्स को हम इसमें यूज करते हैं। अगर हम एल्कोहल की बात करें, तो ये उस प्लेस पे रिफ्रेशिंग इफेक्ट हमें प्रोवाइड करता है, और ये एक तरह का एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी हमें वहाँ पे वो देता है। अगर हम ग्लिसरीन की बात करते हैं, तो ये हमारे माउथ वॉश की विस्कोसिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे कि वो अधिक समय तक हमारे मुंह के कॉन्टेक्ट में रहे। अगर हम बात करते हो अबाउट वो सिंथेटिक स्वीटनर्स की, तो ये जो हमारा माउथ वॉश है उसको एक अच्छा टेस्ट देता है। अगर हम बात करते हैं सर्फेक्टेंट की, तो ये प्रॉपर क्लीनिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और हम इसमें कलरिंग एजेंट को यूज़ करते हैं, ताकि इसको हम और जो ओरली यूज हमारे लिक्विड है उससे डिस्टिंग्विश कर सके। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो अधिकतर यूज होते हैं, लाइक जिंक सल्फेट माउथ वॉश, जिंक क्लोराइड माउथ वॉश एंड कंपाउंड सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश जो है, ये ऑफिशियल है इन बीपीसी, ब्रिटिश फार्माकोपियल जो कोडेक्स में ये ऑफिशियल है। अगर हम इसके कंटेनर के बारे में बात करते हैं, तो इट शुड बी डिस्पेंस्ड इन क्लियर फ्लूटेड बॉटल में हम इसको डिस्पेंस करते हैं। मीन्स ऐसी बॉटल वो जिसमें कि हम आसानी से अंदर के कंटेंट को देख सकें, उसको हम क्लियर कहते हैं। फ्लूटेड, जिससे हम आसानी से जो माउथ वॉश को आसानी से पोर कर सकें। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द लेबलिंग कंडीशन। तो अगर हम माउथ वॉश के बारे में बात करें, इट शुड कंटेन ऑन इट्स लेबल फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो जो हमारा कंटेनर है उसके ऊपर क्लियरली ये लिखा होना चाहिए कि ये एक्सटर्नल यूज के लिए ही हम इसको यूज कर रहे हैं, और उसके ऊपर ये भी इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली होना चाहिए कि नॉट टू बी स्वालोड। मीन्स इसको हमें यूज करते समय निगलना नहीं है, और ये चीज प्रॉपरली हमारे लेबल के ऊपर इंडिकेट होना चाहिए। द डायरेक्शन फॉर द डाइल्यूशन शुड बी ऑन द लेबल। तो जो भी हमारे वो डाइल्यूशन के डायरेक्शन है, वो प्रॉपरली लेबल के ऊपर होना चाहिए कि कितने पानी में हमको इसको ऐड करना है, वार्म वाटर में ऐड करना है कि ठंडे पानी में ऐड करना है, किस तरह से हमें इसको डाइल्यूट करना है, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेबल के ऊपर होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ अवर माउथ वॉश। तो ये अगर हम स्टोरेज कंडीशन की बात करें, तो इसको हम रूम टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। कीप अवे फ्रॉम रीच ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों की पहुंच से ये दूर होना चाहिए। स्टोर अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट एंड हीट, इसको हम डायरेक्ट सनलाइट और हीट के कॉन्टेक्ट में अगर जो आने से हम इसको रोकते हैं, या ऐसे प्लेस पे स्टोर करते हैं जहां पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए या हीट वहां पे ना हो, तो इससे हमारे जो माउथ वॉश है उसकी स्टेबिलिटी प्रॉपर रहेगी उसके एक्सपायरी तक। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द थ्रोट पेंट। तो थ्रोट पेंट आर द विस्कस लिक्विड, ये गाढ़े लिक्विड होते हैं, विस्कस लिक्विड होते हैं, यूज फॉर द माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। इनको हम माउथ के अंदर अगर इन्फेक्शन है या थ्रोट में इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। द ग्लिसरीन एंड लिक्विड पैराफिन इज कॉमनली यूज एज बेस, इसके अंदर हम अधिकतर ग्लिसरीन और लिक्विड पैराफिन को अधिकतर बेस की तरह यूज करते हैं।
क्योंकि इसकी ये विस्कस होते हैं इन द नेचर, ये कह सकते हैं कि जो हमारा ग्लिसरीन है या लिक्विड पैराफिन है वो थोड़ा गाढ़े होते हैं, जिसके कारण कि हम इसको बेस की तरह अपने थ्रोट पेंट में यूज करते हैं। तो अगर ये गाढ़े हैं तो ये जो है एडहर करते हैं टू द म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे ये लंबे समय तक चिपके रहते हैं, जिसके कारण कि इसका इफेक्ट हमें थोड़ा प्रोलॉन्ग मिलता है। जो हमारी वो ग्लिसरीन है इट इज ऑल्सो यूज्ड ड्यू टू इट्स स्वीट टेस्ट। तो इसको हम स्वीट टेस्ट के कारण भी ग्लिसरीन को यूज करते हैं। मीन्स अगर हम थ्रोट पेंट की बात करें, हम सीधे उसको अपनी अप्लाई कर रहे हैं बक्कल कैविटी में, तो वहाँ पे हमें एक अच्छा टेस्ट भी चाहिए, तो उसके लिए भी हम ग्लिसरीन को यूज करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें अधिकतर हम यूज करते हैं बोरोग्लिसरीन, हलफिनॉल ग्लिसरीन को यूज करते हैं, वो टैनिक एसिड ग्लिसरीन को यूज करते हैं, और कंपाउंड आयोडीन पेंट जिसको हम जो कहते हैं मेंडले पेंट, उसको भी हम अक्सर यूज करते हैं एज ए थ्रोट पेंट। अब हम लोग इसके कंटेनर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट शुड बी डिस्पेंस्ड इन एयर टाइट कलर्ड फ्लूटेड बॉटल। तो इसको हम एयर टाइट कलर्ड फ्लूटेड बॉटल में डिस्पेंस करते हैं। अगर हम बात करते हैं लेबलिंग कंडीशन की, इट शुड कंटेन द फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो जो हमारा लेबल है उसके ऊपर ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये एक्सटर्नली यूज के लिए ही है, इसको हमें स्वालो नहीं करना है, इसको हमें इंटरनली यूज नहीं करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थ्रोट पेंट के स्टोरेज कंडीशन के बारे में। तो इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर एंड इन कूल प्लेस। इसको हमें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है और कूल प्लेस पे इसको हमें रखना है, जिससे कि इसकी जो स्टेबिलिटी है ये प्रॉपरली मेंटेन रहे। अब हम लोग इन दोनों प्रिपरेशन के एक एक कॉमन एग्जांपल को देख लेते हैं, जो अधिकतर हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फार्मूला फॉर द माउथ वॉश की, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जिंक सल्फेट को 20 ग्राम, जिंक क्लोराइड को हम 1 ग्राम यूज़ करते हैं, डाइल्यूट HCl को हम यूज़ करते हैं 1 ml, और हम यूज़ करते हैं कंपाउंड टाट्राजीन सॉल्यूशन 1 ml हम यूज़ करते हैं, और क्लोरोफॉर्म वाटर को हम यूज़ करते हैं फॉर द 100 ml। 100 ml को प्रिपेयर करने के लिए जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना ही हम क्लोरोफॉर्म वाटर ऐड करते हैं, क्वान्टिटी सफिशियंट टू प्रोड्यूस 100 ml। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द फार्मूला ऑफ थ्रोट पेंट के बारे में। तो इसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं 2.5 ग्राम, आयोडीन ऐड करते हैं 1.25 ग्राम, अल्कोहल जो हमारा 90% है उसको हम 4 ml के आसपास इसमें ऐड करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं 2.5 ml, और इसमें हम ऐड करते हैं पिपरमिंट ऑयल एज ए फ्लेवरिंग एजेंट 0.4 ml, और इसमें हम ग्लिसरीन को ऐड करते हैं क्वांटिटी सफिशियंट टू प्रोड्यूस 100 ml। तो ये एक सिंपल फार्मूला है इन दोनों प्रिपरेशन का, जिनको हम अधिकतर अपने लैब्स में यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, ये थ्रोट पेंट और माउथ वॉश आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।